क्या कुछ कहा गया और इनकी ओर से क्या कुछ शिकायत आज जांच कमेटी में की गई वो इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? रोहित जी। रोहित, क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए आपने सीमेंटो पर शिकायत लगाई? जी मैं आया था यहाँ पे अपनी दवाई लेने, दस्त उल्टी बुखार और आंखों में जलन और एलर्जी थी बॉडी पे, और भाणजे को कुत्ते ने काट रखा था उसके इंजेक्शन लगवाने आया था जी। तो भीड़ थी पर्ची वाली लाइन में काफी ज्यादा उस दिन, तो मैं खड़ा देख रहा था इधर उधर रख भाई शाम शूम ना आ जाऊं, ज्यादा भीड़ अभी तो। इतनी देर में एक बंदा आया मेरे पास, कहता कि भाई पैसे दे दो और मैं करवा दूंगा सारी जगह काम करवा दूंगा आपका, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको 200 रुपये दिए, वो भाई मेरे को हर डॉक्टर से मिलवाता चला गया, दवाई लिखवाता चला गया मैं। उसके बाद जब मैं इंजेक्शन लगवाने पहुंचा, एक टेटनस का इंजेक्शन कुल्ले पर लग गया बन जगह, एक वो रैबीज का लग गया। रैबीज वाले इंजेक्शन के मैंने कैश 100 रुपये दिए, जिसकी मुझे उन्होंने कोई स्लिप नहीं दी। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये जो 3 इंजेक्शन लग रहे हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ कमेटी में पता चला वहां पे किसी जेंट्स डॉक्टर की तो ड्यूटी थी ही नहीं, जहाँ पे जेंट्स डॉक्टर ने प्रदीप जी ने इंजेक्शन लगाया वहां पे लेडीज डॉक्टर की ड्यूटी थी, ठीक है जी। और दवाइयों का जी मैंने पता किया कि भाई दवाई मेरे को सिर्फ 2 या 3 दे, बाकी कई बार से ले लो, है नहीं दवाई खत्म है। अगर जी दवाई खत्म थी तो रिकॉर्ड चेक करवा लो उस दिन का कि भाई 29 तारीख को दवाई खत्म थी तो ठीक है, अगर दवाई थी इनके स्टॉक में तो इन्होंने दी क्यों नहीं, लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। ऊपर से अगर कहोगी भाई चेक कर लो होंगी, बल्या घर से ला गए जब खत्म होगी अपनी जेब से पे करेंगे आपके लिए, ये लैंग्वेज होती है। आज जांच कमेटी थी आपकी? हाँ जी। आज क्या हुआ? मेरे पास जी कल फोन आया डॉक्टर भूपिंदर जी का कि भाई ऐसे ऐसे सीएम विंडो लगाई थी आपने और जांच कमेटी कल 11 बजे तक आ जाना। तो उसके बाद मेरे पास उन्होंने एक परफॉर्मा भेजा, उसमें लास्ट लाइन ये थी अगर नहीं आते तो एक तरफा डिसीजन होगा। तो उस चीज का भी मैंने कंफर्म किया, कहते कि भाई 3 से 4 बार अगर कोई नहीं आता तो एक तरफा डिसीजन होता है, तो इसलिए आज मैं जरूर आया जी। कितने लोगों पर आपको ऐसा लगता है कि अवैध तरीके से 100 रुपये लिए जा रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? मेरे आगे जी कम से कम भी 5-6 लोग थे, ये चेक कर लेते हैं कि भाई कौन अनपढ़ है कौन पढ़िया लिखा है, ठीक है उस हिसाब से। ये इतना टाइम हो गया होगा जी ना करते हिसाब, तो आए जावा किस पर लेने किस पर क्या करना है। मेरे आगे कम तम भी 5-6 लोगों ने और दिए थे। तो आप तो पढ़े लिखे थे, आप कैसे उनके जाल में आ गए? उन्होंने, मैं जी लोअर में था, नहाया हुआ भी नहीं था, बीमार था, इस करके सोचा होगा कि भाई ऐसा ही है कोई ले लेते हैं इससे भी और क्या। उस समय नहीं आपने कहीं पता कि आसपास में भाई सिविल हॉस्पिटल में आपसे पैसे लिए जा रहे हैं भाई? उस दिन तो जी न्यू था कि भाई हाँ 3 एक इंजेक्शन लगवाने फिर ले लिए स्लिप, जाना तो है ही बार बार। फिर जब स्लिप मांगी तो कहा कि भाई कोई स्लिप नहीं है, लग गए तेरा इंजेक्शन जाइब। ये बता रहे थे अभी एक इंजेक्शन से सभी को इंजेक्शन? हाँ जी हाँ जी। एक चीज और नोटिस करी मैंने, बार पता किया मैंने, चौथा इंजेक्शन जो इन्होंने जी दिखा रखा है वो मैंने बाहर से ही लगवा लिया, फिर मैं आया ही नहीं दोबारा यहाँ पे। ये देखो जी ये चौथा इंजेक्शन, ये डॉक्टर जी ने अपने कोई उनका बैठा था अंडर में उनसे लिखवाया, ये 3 सेम है, ये अलग हैंड राइटिंग चेक कर लो आप, नो 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 ये देख लो जी, ठीक है। तो मैंने चीज नोटिस करी बार से पता करने पे कि भाई एक वाइल एक ही बंदे को लगेगी और ये एक बार में भर के सिर्फ सिरिंज चेंज करते हैं और 3-4 पेशेंट को उसी में से लगा देते हैं। तो यानी जिस सुरक्षा के लिए आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो सुरक्षा है? सुरक्षा है नहीं जी। अब कल को किसी को रेबीज हो जाए, अब क्या कंफर्मेशन है कि भाई वो इंजेक्शन का जब रिकॉर्ड ही नहीं है, वो क्या पता पानी का इंजेक्शन लगाए हो। इतनी सी डिमांड है, जो ये इंजेक्शन लग रहे हैं इनका रिकॉर्ड चेक करें, दूसरा रिकॉर्ड चेक करें दवाइयों का कि भाई दवाई थी तो दी क्यों नहीं। आपको उस दिन क्या कहा था भाई है नहीं दवाई? हाँ जी मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ, इसमें तो कुछ गलत नहीं। आज मेरे को आश्वासन दिया है डॉक्टर अमित जी ने, डॉक्टर राघविंदर जी ने, और वहां पे शशिलता मैम बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई हाँ कार्रवाई करेंगे और मैं इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अनिल विज जी के दरबार में पेश होऊंगा। ये बता रहे हैं भाई आप लोगों से भाई ये भी कह रहे थे भाई कोई गलती होगी भैया? हाँ जी वो पहले तो कह रहे थे, सब नहीं मना ही कर दिया कि मैंने देखा नहीं पहचाना नहीं मैं तो मिला ही नहीं कभी, अब मैं इनको किसी को पर्सनली तो जानता नहीं जी, ठीक है। इसके बाद जब ये मेरे को जानते नहीं पहचानते नहीं मेरे पास समझौते के लिए कॉल क्यों करवा रहे हैं,
इसलिए बाहर आके कह रहे हैं गलती होगी, या फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाईचारे वाली बात है, ऐसे है। डॉक्टर पेशेंट का क्या भाईचारा? किस डॉक्टर से बात हुई आपकी? डॉक्टर प्रदीप जी से। प्रदीप से लगता है कि भैया फंस सकता है कोई किसी की लापरवाही की, क्योंकि आप चाहते हैं कोई मंत्री तक ही जाए और इसकी जांच हो। ऐसा जी देखो, आम आदमी की सरकार ही सुनेगी। ये तो शुक्र है बीजेपी सरकार ने थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया, नहीं होते तो ये बहुत पहले से आ रहे हैं। तब हमारी अप्रोच नहीं थी किसी के पास, अब अगर सरकार ने अप्रोच दी है तो वाई नॉट यूज इट। आपको क्या लगता है इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसमें जो 100-100 रुपए बैठ तरीके से, इसमें कई लोग होंगे, ऐसा तो नहीं कि एक बंदा ये काम? सर अब मेरे को तो जितनों के पता था मैंने उनका बता दिया, अभी कौन शामिल है इस चीज की तो कोई श्योरिटी नहीं है जी। कहां के रहने वाले हो, पानीपत और किसको इंजेक्शन लगवाया? मैंने अपने भांजे को इंजेक्शन लगवाए थे यहीं आरके पुरम कॉलोनी की साइड रहता हूँ जी मैं। कितनी उम्र है बच्चे की? 8-1 साल के आसपास है। 8-9 फिर आपने बाहर से लगवाया? हाँ जी बाहर से लगवाया, 2 लगवाऊंगा, 1 और लगवाऊंगा अभी बाहर से। आपका क्या नाम है जी? दीपक नाम है जी मेरा। आप साथ आए उनके? साथ आया था जी। अच्छा, हाँ जी। बता रहे हैं कि भाई पैसे ले लिए हॉस्पिटल से? पैसे तो लिए, बोल रहे थे अभी उन्होंने बोला भी आश्वासन दिया इनको कि अमित जी ने कि भाई मैं अगर मेरे से नहीं होगा तो फिर आप बेशक से कहीं चले जाना, बाकी मैं कर दूंगा। गलती है इनकी, नोटिस बोर्ड पे लिखना था कि दवाई नहीं हमारे पास और सब बताना था, पर 100 रुपए जो इनसे लिए गए हैं वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे बाहर। संदीप भी पैरों में पड़ रहा था, भाई गलती होगी, मेरा बाप नहीं है, मैंने नौकरी हटवा दो, नौकरी हट जाएगी। उसके बाद फिर पर उन्होंने बोला है डॉक्टर साहब ने कि भाई इन्होंने नोटिस बोर्ड पे लिखवाना था कि हमारे पास दवाई नहीं है और ये जो 100-100 रुपये लिए गए हैं वो गलत है, 5 रुपये की पर्ची कटती है, अगर 100 रुपये लिए तो उसकी पर्ची होनी चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए, मैं रिकॉर्ड चेक कराऊंगा। डॉक्टर अमित जी ने भी कहा है कि भाई अगर आपसे पैसे लिए हैं तो स्लिप देनी चाहिए थी आपको। अच्छा, स्लिप नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है? गरीब लोग इसलिए आते हैं भाई, सस्ता इलाज मिल सके या फ्री में इलाज हो सके, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इसलिए बनाई है। लगता भाई वो इलाज अब मिलेगा उन लोगों को? मेरे को तो लगता नहीं, जैसे आज बात की है उनसे अमित जी से, पर अमित जी ने बोला कि मैं कार्रवाई करूंगा, अगर नहीं होती मेरे से तो फिर आप आगे देख लेना, बाकी मैं कर दूंगा कार्रवाई। नहीं कि वैसे 100-100 रुपये जो गलत लिए है वो गलत है, उसकी पर्ची देनी चाहिए थी, रिकॉर्ड चेक करवाऊंगा, दवाई का रिकॉर्ड चेक कराऊंगा, अगर नहीं है तो इन्होंने नोटिस बोर्ड पे लिखना था, बाहर नोटिस बोर्ड लगा होता है हमारे यहाँ, अपडेट होती है उस पर, इन्होंने लिखा क्यों नहीं था, और जो बंदा था उसको बुलाऊंगा। मोनू कह रहा था, मोनू है कोई इंचार्ज है। तो तमाम जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि पानीपत के सिविल अस्पताल में जो लोग इलाज के लिए आते हैं उनको किस प्रकार से अब ठगा जा रहा है। इनका साफ तौर पर आरोप है कि पैसे तो इनसे लिए गए लेकिन जो इंजेक्शन दिए गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये चाहते हैं कि जो पूरा मामला है उसकी निष्पक्ष जांच हो, यदि उस दिन इंजेक्शन थे तो लगाए क्यों नहीं, यदि नहीं थे तो इन्हें बताया क्यों नहीं गया, और आज जो जाँच कमेटी थी उसमें इनको जो है आश्वासन मिला है, और यदि फिर भी कोई हल नहीं निकलता तो ये मंत्री अनिल विज तक भी मिलेंगे, और मामले की जो चाहते हैं कि निष्पक्ष तौर पर जांच हो ताकि और लोगों के साथ कुछ ऐसा ना हो। पानीपत के सिविल अस्पताल में तमाम जो ये लोग हैं आप देख सकते हैं कि इलाज लेने के लिए तो पहुंचते हैं लेकिन किस प्रकार से इन लोगों के सामने इस तरह के जो मामले हैं या इस तरह इनको ठगा जाता है। तमाम लोगों से आरोप की वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि लगातार जहां पानीपत का सिविल अस्पताल अपने चर्चा में रहता है काम को लेकर, आज फिर इनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेबीज का जो इंजेक्शन है जो लगवाया गया था उसके पैसे लिए गए और उन इंजेक्शनों के ना कोई रिकॉर्ड थे, यदि रिकॉर्ड थे तो इन्हें बताया क्यों नहीं गया, और ये जो जांच कमेटी बिठाई गई है उसको लेकर आज ये पहुंचे थे डॉक्टरों की ओर से इन्हें कॉल कर जो है जी दवाइयों की भी ट्रांसपेरेंसी हो, जो इतने पेशेंट वापिस जा रहे हैं कि दवाइयां नहीं है नहीं है, एक बार रिकॉर्ड चेक करो, औरों का छोड़ो मेरा चेक करो, जिस दिन मेरे को दवाई दी है बाकी की क्यों नहीं दी, नहीं थी तो रिकॉर्ड दिखाओ ना, ट्रांसपेरेंसी कर दो, बात खत्म। लगता है भाई बाहर जो स्टोर रूम के साथ भी कुछ सांठगांठ हो सकती है? वो तो सर अब मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से कहते हैं भाई लो बाहर से दवाई लो बाहर से लो, अब यहाँ से निकल के बंदा दवाई कहाँ से लेगा, आप खुद देखो इस चीज में। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, यदि आप लोग भी इलाज लेने के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।